Chief Minister Dr. Pramod Sawant assures efforts to promote Konkani. Goans are influenced by four languages. We speak in Konkani, read newspaper in Marathi, watch movies in Hindi and write in English, he said. जो जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बाकी लोग हो, इन्हीं ने पहले आगे होके इसी तरह से कोशिश की तो ही रीजनल लैंग्वेज भी यानी रीजनल लैंग्वेज भी आगे आएंगी. हिंदी के साथ साथ डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज या आगे आ सकती हैं. आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में, खास करके हम चार लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं. हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं. हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं. हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं. तो ये तो चार भाषा वाली स्टेट है जो हमें हमेशा के लिए जाने जाते हैं. लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि ऑफिशियली जो जो गैजेट आते हैं कंपलसरी वो इंग्लिश से लेके हिंदी में आने चाहिए, वो कंपलसरी किया है. और अभी 2014 से आज तक पहले सिर्फ कुछ गैजेट्स ओनली नहीं इंग्लिश में ही आते थे. नाउ कंपलसरी ऑल द गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से वो हिंदी में भी आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से आते हैं. हमारे गोवा में हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है. दैट इज वन स्टेप अहेड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है. आपकी बात सही है, जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाईकोर्ट मॉबे हाईकोर्ट की ब्रांच गोवा ब्रांच है उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है, उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है. हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसका उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रवेश दे. इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए. मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट लिखेंगे. देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीवी.